जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए लगाए जाने वाले जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में सदर तहसील के सभागार में किया गया, जिसमें एसएसपी शलभ माथुर, सीडीओ अनुज सिंह, एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा, एसडीएम सदर गजेंद्र कुमार सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। तहसील समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने कहा कि जन समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण में यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उसे सभी अधिकारी समस्याओं के निस्तारण प्रति संवेदनशील होकर कार्य करें तथा भूमि विवाद के मामले को मौके पर जाकर पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम के साथ निस्तारित करें। मंगलवार को आयोजित तहसील दिवस में कुल 103 मामले आए, जिसमें 7 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष मामलों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। लेकर के तो मेरे पास नंबर है पहले।
ज्यादा दर्द का हो रहा है इस समय को। अरे बाबा इससे कोई राहत नहीं मिलेगा। सुनो बाबा देखिए ये अस्त्र का अभी प्रयोग मत करो, ये भी बेकार हो जाएगा। तुम्हारा इसके बाद मतलब क्या करोगे? अरे तो 20,000 रुपये देना किसी की बड़ी बात है क्या? समाधान दिवस गोरखपुर जनपद में हर तहसील में हो रहा है। हम तो तहसील सदर में हम और कप्तान साहब पूरा टीम हम लोग अटेंड किए। ज़्यादातर समस्या तो जमीन संबंधित समस्या ही ज़्यादा आया है। मौके पे हम लोग 15-20 शिकायत निस्तारण किए हैं और जो छोटे छोटे समस्या है उसको हम लोग समाधान भी यहाँ कराया है। बाकी चीज़ हम लोग आगे 1 सप्ताह 10 दिन में जो बाकी जो कितने कंप्लेन मिला है उसको भी निस्तारण कराएंगे।